हेलो एवरीवन, इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप दोनों का कैसा रहेगा, आपके और आपकी पार्टनर के बीच क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, खुद को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, साथ में यूनिवर्स से प्रे जरूर कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो क्या पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच होने का नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स क्या होगी आपके लिए। सबसे पहले उन्हीं की एनर्जी चेक करते हैं। आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में क्या सोचेंगे आपके बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आप दोनों का रिश्ता है अटकशा है, ठहराव आ गया है, आपके रिश्ते में बिल्कुल स्टक है, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो आपके पार्टनर फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर कॉन्फ्रेंस कॉल भी आपको कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से आपको कॉल करा सकते हैं, या तो मीटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं जी, पर कुछ करना ज़रूर चाहते हैं। जो ठहराव आ गया है उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, जहाँ पर इन्होंने एफर्ट्स करना छोड़ दिया था वहीं अब ये कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आपकी ओर, इसके बारे में सोचेंगे। और क्या होगी इनकी फीलिंग्स और थॉट्स, और क्या सोचेंगे, इनका कोई विश है आपको लेकर, उसको फुलफिल करना चाहते हैं, क्या है इनका विश, बातचीत करना, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं डेस्परेटली, ये व्यक्ति आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आना चाहते हैं, तो अपना विश मुझे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, इनको आपके क्लोज आना है या तो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, इनका ये विश है। तो किसी के सपोर्ट से, फैमिली या फ्रेंड्स, किसी के तो सपोर्ट से मुझे आपकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका ड्रीम, आप दोनों का जो ड्रीम है, स्पेशली इनका ड्रीम, उसको पूरा करना है इनको, क्या है इनका ड्रीम आपको लेकर, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके जो पार्टनर हैं, क्या है इनका ड्रीम मेरे व्यूअर्स को लेकर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपका रिश्ता जो है ना उसमें ठहराव आ गया है, आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ने पहले कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ये इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, और वहीं कुछ प्रॉब्लम्स आया तो हो सकता है कि उन्होंने खुद को स्टॉप कर लिया। तो अब ये व्यक्ति चाहते हैं कि वापस से स्टार्ट हो आप दोनों के बीच, क्योंकि भूल नहीं पा रहे हैं आपको और ना ही भूलना चाहते हैं। उदास है ये आपके बिना काफ़ी, किसी और चीज़ पर भी फोकस नहीं बना पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे किसी और की ओर कहीं, तो ये व्यक्ति अपना गलती मानते हैं। और क्या है इनका ड्रीम आपके साथ, बातचीत करना चाहते हैं ये राइट नाउ, बातचीत करना है इनको आपसे, ठीक है, फाइट को ख़त्म करना है, आप इनका सुनो ये चाहते हैं, पर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो इनसे करेंटली, ये इनकी थॉट्स हैं, इनकी फीलिंग्स हैं। आपकी एनर्जी क्या होगी नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपकी एनर्जी क्या होगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका ऐसा लग सकता है कि रिश्ते का एंड हो गया है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, कभी आपको इस रिश्ते में हर्ट मिला है, पेनफुल सिचुएशन जो रहा है, ब्रेकअप आप दोनों का रहा है, उसके बारे में मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, वो सब सोचकर, पास्ट की बातों को याद करके आप मुझे हर्ट फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो पास्ट को पास्ट रहने दीजिए। और क्या होगी आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। टू ऑफ कप्स, मिलना चाहोगे, जहाँ पर आपके रिश्ते का एंड हो गया था, ख़त्म हो गया था, सब कुछ एंड हो गया था, आप इनके साथ रीयूनाइट करना चाहते हो, रिकंसिलेशन चाहोगे, यूनियन चाहोगे, बट आपको कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको पता नहीं है कि आप दोनों का वापस से मुलाकात होगी कि नहीं, वापस से बातचीत स्टार्ट होगी कि नहीं, वापस से आप दोनों रीयूनाइट रिकंसाइल करोगे कि नहीं, पर हाँ मिलने की तमन्ना है, हग करना है, इस रिश्ते में वापस से आना है, स्टार्ट करना चाहते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, पर डाउटफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो कि इस रिश्ते का एंड हो गया है या अभी भी कुछ चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है।
इस तरह का थॉट्स मुझे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर ना आपकी एनर्जी ऐसा होगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स को, जो भी होगा वो होकर रहेगा, इस तरह की एनर्जी में आओगे। आपके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए यूनिवर्स मुझे बताएं, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगी। ओके, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं, आपके प्यार में हैं आपके आने का, आप इनकी ओर एक्शन लो, इसके इंतज़ार है इनको, ठीक है। इमोशनली कुछ ऑफर चाहते हैं, रिलेशनशिप में कुछ ऑफर चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहिए इनको, कम्युनिकेशन चाहिए, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत प्यार आ रहा है इनको आप पर, आपको याद करते हो, आपको मिस करते हुए दिखाई दिए हैं। और वहीं कुछ लोग ले आपके पार्टनर को एक्शन लेंगे आपकी ओर, आपका इंतज़ार ख़त्म करेंगे। आपका एक्शन क्या हो सकता है इनकी ओर, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं आपकी ओर आ रहे हैं, वहीं आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कन्फ्यूज़न है या फाइट हो रहे कंटिन्यूसली आप दोनों के बीच, या आपको डाउट हो रहे हैं इन पर। यस, मुझे आप डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, सबके लिए नहीं है, कुछ लोग लिए आप इनकी ओर बढ़ रहे हो, और वहीं कुछ लोग लिए आप एनालाइज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो, वक्त पर छोड़ रहे हो, और कुछ लोग लिए आप मुझे मौन करते हुए दिखाई दिए हो। और क्या होगी आपकी एनर्जी, आपका एक्शन, मजिशियन। ओके, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस पार्टनर को, जो आपके पार्टनर हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस रिश्ते को, इस पार्टनर को, मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको हेल्थ इशू हो सकता है, ख्याल रखें अपना हेल्थ का, खुद का, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।